अच्छी लगती हो तो मुझे। फिर मैं तुम्हें पसंद ना करूं तो फिर जिंदगी भर ना प्यार करते हो? प्यार नहीं, पागल बस। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। तो गाइज अभी जो आपने प्रीव्यू में जो वीडियो देखा है ना, तो कुछ इस टाइप की वीडियो क्रिएट करने वाले हैं और ये वीडियो मुझे इंस्टाग्राम पे मिला था। और गाइज कुछ इस टाइप की जो वीडियो है ना अभी काफ़ी ज़्यादा इंस्टाग्राम पे वायरल हो रहा है। तो यार अगर आप भी कुछ इस टाइप की लिरिक्स वीडियो साथ में कुछ इस टाइप की फैक्ट वगैरह क्रिएट करना चाहते हो तो वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक जरूर वॉच करते रहना। तो गाइज देखो सबसे पहली जो बात है ना, इसमें जो इफेक्ट वगैरह जो है ना स्टार्टिंग जो आपने देखा था सर्कल वाला, तो यार वो सब बनाने में मेरे को कम से कम 1.5 से 2 घंटे लग गया, ठीक है। तो यार अगर मैं उसकी ट्यूटोरियल देने लग जाऊंगा ना तो वीडियो की ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, 1 घंटे तक भी पहुंच जाएगा, आधे घंटे तक भी पहुंच जाएगा। तो उसका तो मैं आपको प्रीसेट दे दूंगा, बाकी उसके बाद में जितने भी इमेजेस वगैरह है, इमेजेस वगैरह पर इफेक्ट वगैरह लिरिक्स वगैरह जो भी है सारा कुछ आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एडिट करके बताने वाला हूँ। बाकी उसकी स्टार्टिंग की जो सर्कल वगैरह जो भी है मैंने पहले से क्रिएट करके आपको XML और प्रीसेट भी दे दिया। और इस वीडियो हम अलाइट मोशन में क्रिएट करने वाले हैं, तो यार अगर आप अलाइट मोशन यूज करते हो तो आपको पता ही होगा कि भाई अगर ज्यादा हैवी प्रोजेक्ट हो जाता है तो बार बार लैग करता है अलाइट मोशन, तो वो प्रॉब्लम ही मेरे साथ हो रहा था। तो यार देखो बीच बीच में ये दिक्कत हो जाती है, इसलिए गाइस उस प्रोजेक्ट का XML ही मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया और प्रीसेट भी, तो उसको इंपोर्ट कर लीजिएगा। साथ में यहाँ पर जो जो इफेक्ट है ना सारा कुछ मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको अलाइट मोशन एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है और उसको ओपन कर लेना है। बाकी जो भी स्टेप अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर आपको चल के बताता हूँ, उससे पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो गाइज यहाँ पर मैंने अलाइट मोशन को ओपन कर लिया है, तो आपको सबसे पहले इस वाले प्रोजेक्ट को इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है। तो अब देखो इस प्रोजेक्ट में मैंने सारा कुछ पहले से ऐड करके रखा हुआ है, बस आपको यहाँ पे म्यूज़िक नहीं मिलेगा। तो म्यूज़िक को आपको सिंपली प्लस के आइकन पर क्लिक करके ऑडियो में आना और व्यू ऑल पर क्लिक करके गए जो MP3 दे रखा होगा तो MP3 आप सेलेक्ट कर लेना, नहीं तो अगर मैंने वीडियो दे रखा होगा तो वीडियो ये मीडिया वाले ऑप्शन में आ जाना और गाइज वीडियो को सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पर गाइज जो वीडियो मैंने को दे रखा होगा म्यूजिक वाला, उस वीडियो को क्लिक करके ऐड कर लीजिएगा। ऐड करने के बाद में वीडियो पर टैप करके 3 डॉट पे आके एक्सट्रैक्ट ऑडियो पर क्लिक करोगे तो सॉन्ग इसकी आ जाएगा, तो नीचे आपको सॉन्ग देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी वीडियो को टैप करके आप इसको डिलीट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो म्यूजिक है मैं पहले से ऐड करके रखा हूँ, बाय चांस मैंने अगर प्रोजेक्ट में डिलीट कर दिया होगा तो यहाँ पर आप म्यूजिक को ऐड कर लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ पर ध्यान रखना है। देखो जो टेक्स्ट वगैरह मैंने सारा कुछ लिख कर रखा हुआ है ना, तो इसमें आपको फॉन्ट वगैरह ऐड करना होगा और साथ में ये जो सर्कल है ना इसके बीच में गए जो इमेजेस आप देख रहे हो ना, ये इमेजेस भी आपको डाउनलोड कर लेना होगा। अभी ये इमेजेस डाउनलोड करके कैसे आपको ऐड करना वो बता देता हूँ। तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक और ऐप को डाउनलोड करना होगा इमेजेस के लिए सिर्फ, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन का नाम है प्रिंटरेस्ट, तो प्रिंटरेस्ट नाम की जो एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा ईजिली, तो आप क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हो। अब डाउनलोड होने के बाद में इसको बाद में गए देखो मल्टीपल यहाँ पे इमेजेस पहले सजेस्ट हो जाएगा कि भाई ये इमेजेस डाउनलोड कर सकते हो, ये इमेजेस डाउनलोड कर सकते हो, तो 3 डॉट पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना डाउनलोड इमेज पे। अन्यथा तो सिंपली सर्च वाले ऑप्शन में आ जाना, यहाँ पर आपको लिख लेना होगा, देख सकते हो यहाँ पर आपको लिखना एस्थेटिक कपल पिक्चर्स, ऐसे करके आपको सर्च कर लेना है। तो देखो यहाँ पर भर भर के आपको इमेजेस मिल जाएंगे कपल्स वाले, तो इजीली यहाँ से आप कोई भी इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हो, ओके। तो चलो इमेजेस तो मैंने आपको बता दिया कि कहाँ से कैसे डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड कर लेना, ओके। अब यहाँ से देखो गाइस यहाँ तक अपनी प्रोजेक्ट रहेगा, ठीक है, 15.9 सेकेंड तक। और यहाँ पर उसके बाद में इधर जो देख रहे हो इधर हमें अपने लेयर्स वगैरह में इमेजेस वगैरह ऐड करना होगा और कुछ गाइज यहाँ पर लिरिक्स वगैरह भी क्रिएट करना होगा, वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। अभी मेन जो गाइज यहाँ पर सबसे पहले जो है ना आपको यहाँ पर अपनी ग्रुप पर आ जाना है, ठीक है। देखो एक फर्स्ट ग्रुप ये वाला मिल रहा है जिसमें मॉडल्स की इमेज है और एक सेकेंड ग्रुप जिसमें यहाँ पर अलग एक इमेज है, ठीक है। तो आप किसी भी एक ग्रुप पर टैप करो ऐसे करके और एडिट ग्रुप में आओ, जैसे कि मैं यहाँ पर
गाइस बॉयज़ वाले पे क्लिक कर दिया हूँ। तो यहाँ पर इसको क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पर ग्रुप एंड मास्क में क्लिक करके एडिट में जाइए। अब देखो ये फ़ोटो आ चुका है, अब ये फ़ोटो डिलीट हो चुका होगा, तो प्लस में आके मीडिया में आइए और उसके बाद गाइस यहाँ पर मैं गैलरी में आता हूँ, ठीक है। और गैलरी से जो भी इमेजेस आपको ऐड करना है तो यहाँ पर इसको ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर लाइक मैं देखो इस वाली इमेजेस को ऐड कर लूँगा, इसको टैप करके मैं नीचे कर लूँगा, ठीक है। अब इस इमेज को मैं क्लिक करके डिलीट कर लेता हूँ, आप लोगों को अच्छे से समझ आए इसलिए गाइस यहाँ पर मैंने उस इमेज को डिलीट कर दिया। अब यहाँ पर आपको जूम कर लेना है ऐसे करके, जितना भी जूम रखना चाहते हो यहाँ पर आप ऐसे भी रख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर इसकी ड्यूरेशन को आपको लास्ट तक करके बैक हो जाना है, ठीक है। तो ध्यान रखना इसकी भी ड्यूरेशन हम यहाँ तक कर देते हैं, ठीक है। अब देख सकते हो तो इतना हो चुका है गाइस। अब उसके बाद में गाइस यहाँ पर जो मॉडल्स वाली लेयर्स दिख रहा है इसको टैप करो, ग्रुप को एडिट ग्रुप में आइए, फिर से इसको टैप करके एडिट ग्रुप में आइए। इसको भी सेम मेथड से आपको यहाँ से क्लिक कर लेना है, गैलरी में आना है और जो नेक्स्ट फोटो होगा उसको आपको यहाँ पर ऐड कर लेना होगा, ठीक है। तो लाइक मैं यहाँ पर इस इमेज को ऐड करके नीचे कर लूँगा और ये जो गाइस फोटो पहले था उसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। अब इसको टैप करके हम यहाँ पर करेंगे, थोड़ा सा जूम आउट कर लीजिएगा और यहाँ पर मैं सेंटर में फिक्स करके इसके ड्यूरेशन को हम लास्ट तक कर लेंगे, ठीक है। तो ये भी हो चुका, बैक हो जाता हूँ। तो देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा गाइस ये सर्कल में इमेजेस ऐड करने की ऑप्शन। अब यहाँ पर देखो आपको एक और चीज़ लिखा हुआ मिल जाएगा जिसमें लिखे शी लिखा हुआ है और एक गाइस यहाँ पर मी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये दो फॉन्ट आपको मिलेगा, फॉन्ट तो आपको बहुत सारे मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में। अब देखो ये जो है ना लेमन मिल्क नाम का फॉन्ट होगा, तो इसको आपको क्या करना है क्लिक कर लेना है कोई भी पे, कोई भी दोनों में से किसी भी लिरिक्स पे और यहाँ पे इसको टैप करना। और गाइज एक बार मैं आपको फॉन्ट बता देता हूँ कि कैसे ऐड करते हैं। तो व्यू ऑल फॉन्ट्स पे क्लिक कर लीजिएगा, 3 डॉट पे आके इंपोर्ट फॉन्ट्स पे क्लिक कीजिए। जहाँ भी आपने फॉन्ट को डाउनलोड करके रखा होगा सिंपली फॉन्ट को आपको सेलेक्ट कर लेना है, फॉन्ट आपको यहीं पर शो हो जाएगा। अगर नहीं शो होता है तो सर्च में आना है और फॉन्ट की नेम को टाइप कर लेना है। तो लेमन मिल्क मीडियम नाम का फॉन्ट है ये वाला, देख सकते हो, इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर यह ऐड हो जाएगा। अब मी वाले को भी टैप करके बिल्कुल सेम प्रोसेस आपको यहां पर कर लेना होगा, ठीक है। अब इतना होने के बाद में देखोगे जब मेन जो है ना, देखो यहाँ पर जो आप सुन रहे होगे जिसमें गाइज यहाँ पर जब मॉडल्स बोलती है यानी कि गाइज जब गर्ल्स बोलती है तो गाइज यहाँ पर देखो गर्ल्स जैसे बॉयज़ बोल रहा है तो गाइज देखो तो बॉयज़ की यहाँ पर हाईलाइट होता है, ठीक है, शेडो। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर करना होगा, ठीक है। वो सेटिंग क्या करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से पहले वॉच करते रहो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इतना कुछ तो मैंने कर दिया है, अब आपको ऊपर पहले का जो लिरिक्स वगैरह है ना वो चीज़ ध्यान से देखो। देखो ये लिरिक्स को टैप कीजिए, एडिट में आइए, रोबोटो थीन नाम का फॉन्ट है जो आपको पहले से लाइट मोशन में मिल जाएगा, तो व्यू ऑल फॉन्ट्स पे क्लिक कीजिए और सर्च में आ जाइए और रोबोटो थीन नाम का फॉन्ट है, देख सकते हो, इसको सेलेक्ट कर लो। अगर नहीं होगा तो वो तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, इसमें इफेक्ट वगैरह पहले से लगा हुआ है। अब मेन जो काम है ना गाइस, एक और मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखते रहो, ठीक है। देखो क्या करना है आपको, जहाँ जब यहाँ पे एक्ट्रेस यानी कि मॉडल बोलेगी तो वो हाईलाइट होना चाहिए, ठीक है। और जब यहाँ पे लड़का बोलेगा तो वो भी हाईलाइट होना चाहिए, वो पता चलना चाहिए कि भाई वो बोल रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि पहले मैं यहाँ पर इस बॉय वाले पे क्लिक करूँगा, मोबाइल ट्रांसफर में क्लिक करके इस थर्ड ऑप्शन को टैप करेंगे। जैसे कि गाइस ये जब बोलना स्टार्ट करेगा, जैसे कि यहाँ से बोलना स्टार्ट करेगा तो एक प्लस यहाँ लगा लीजिए, एक प्लस थोड़ा सा आगे जाके आपको लगाना है और एक प्लस आपको यहाँ पर आगे जाके इधर करके लगा लेना है, ठीक है। देख सकते हो ऐसे करके आपको एक प्लस लगा लेना है। अब बीच वाले में आके थोड़ा सा आपको यहाँ पर इसको जूम कर लेना है, ठीक है, ताकि लगे कि गाइज ये बोल रहा है, तो मतलब कि उसको पता भी चलना चाहिए लिरिक्स के साथ में, गाइज थोड़ी सी ना इसको पोज होना चाहिए, ठीक है, ताकि पता चले कि भाई ये इस तरफ के जो बंदे हैं या इस तरफ के जो मॉडल है या एक्ट्रेस है वो बोल रहे हैं, ठीक है। अब इस कर्व वाले में आकर थोड़ी सी इसकी कर्व को हम ऊपर कर लेंगे ऐसे करके। अब देखो गाइज जैसे कि यहाँ पर ये बंदा बोलेगा तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से आया ना, तो ऐसे करके आपको यहाँ पे कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ से गाइज फिर से आपको देखो जिधर जा रहा है ये लिरिक्स किधर, अब इस तरफ में जाता हूँ और जैसे कि ये एक्ट्रेस बोल रही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर से एक्ट्रेस वाले ग्रुप पे टैप करके मूव एंड ट्रांसफर में आकर थर्ड ऑप्शन को क्लिक करके एक प्लस यहाँ लगाइए, फिर एक प्लस यहाँ लगाइए, एक प्लस थोड़ा सा आगे जाके लगाइए, बीच में आकर थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर लो और यहाँ पर भी इधर आके कर्व वाले ऑप्शन में आके ऐसे करके कर्व दे दो। तो देखो ये चीज़ आपको पूरी यहाँ पर जहाँ जहाँ पर ये लिरिक्स दिख रहा होगा, जहाँ जो बोल रहा है वहाँ पर आपको करना होगा। देखो यहाँ पर ये हाईलाइट हो गया, अब यहाँ पर देखोगा जी ये
एक्ट्रेस बोलेगी, तो यहाँ पर वो उनका हाईलाइट हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पॉइंट ध्यान से देख लेना है, ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान से सेटिंग करना होगा। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था बिल्कुल सेम वैसे ही आपको यहाँ पर कर लेना है। ठीक है, जब ये सब सारा कुछ हो जाएगा तो यहाँ पर देखो अब आगे की तरफ आ जाओ। ठीक है, अब आगे की तरफ आओगे तो यहाँ पर देखो सारा कुछ मैंने करके रखा हुआ है, बस आपको यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है ना गाइस, जो मी वाला जो है ना, अब देखो जैसे कि ये इस तरफ से इस तरफ आ रहा है, तो भाई इसको हम क्या करेंगे, जो मी वाला है ना इसको क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफर में आके प्लस यहाँ लगाएंगे। ठीक है, और थोड़ा सा ना गाइस इधर ले आएंगे इसको, तो या इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको कट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन गाइस इसको ने इधर क्लिक करके थोड़ा सा इधर आ जाओ। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, ऐसे हो जाएगा, देख सकते हो यहाँ पर, सॉरी यार यहाँ पर देखो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो यार देखो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अगर आप नहीं भी क्रिएट कर पाओगे तो फुल प्रोजेक्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इजीली आप वहाँ से सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, इंपोर्ट कर लेना, तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब देख सकते हो यहाँ पर हर एक चीज़ मैंने आपको करके दिखा दी है कि कैसे क्या है। ठीक है, बस इतना कर लेना है गाइज। ठीक है, अब इतना होने के बाद में गाइज देखो यहाँ पर से है ना, यहाँ से आप देखते रहो, यहाँ से होने का हमारी जो मेन काम है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करना है, प्लस में आना है और एक शेप को ऐड करके कुछ इस तरीके से कर लेना है। ठीक है, ऐसे कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे एडिट शेप में आके जो रेडियस है इसको इंक्रीज कीजिए, ऐसे करके राउंड कीजिए, और इसको थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ और इसको मैं ऐसे करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा करेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा मैं और जूम करता हूँ। ठीक है, जूम करने के बाद में गाइस यहाँ पर हम इसको ऐसे करके लगाएंगे। ठीक है, और फिलहाल के लिए इसकी ड्यूरेशन को तो हम एंड तक कर लेंगे। ठीक है, एंड तक करने के बाद में गाइस अब क्या करना है, प्लस में आएंगे, मीडिया में आएंगे, जो दूसरी इमेजेस या जो भी इमेजेस होगा उसको आपको क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है। लाइक यहाँ पर देखो फिलहाल के लिए मैं इस इमेज को ऐड करके उसको जूम करता हूँ और ऐसे करके रखूँगा। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, अब इसकी ड्यूरेशन को यानी कि इसको टैप करके मैं नीचे रखूँगा और ड्यूरेशन को मैं यहाँ से क्लिक करके लास्ट तक करूँगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करके इस मास्क वाले ऑप्शन को टैप कर लेंगे, तो देखो यहाँ पर एक लेयर बन जाएगा। ठीक है, अब आपको इसको टैप कर लेना है और इसके नीचे आपको छोड़ देना है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जैसे ये ऊपर जा रहा है वैसे गाइज हमारी लेयर भी ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जितना लिरिक्स रहेगा ना वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कितना लिरिक्स रहेगा, तो इतना जैसे मान लीजिए कि ये 29 सेकंड का है, इसके बीच में जितना गाइज आपको लिरिक्स लिखना है जैसे कि यहाँ तक है, तो इसको क्लिक करके एक बीट मार्क लगा लेना और इसको बीच में कट लगा लेना इस वाले इमेजेस को। ठीक है, क्योंकि इधर और भी इमेजेस ऐड करेंगे तो उसमें अलग इफेक्ट रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको टैप कीजिए और थोड़ा मूव एंड ट्रांसफर में आके इसको छोटा कर लो। ठीक है, लाइक ऐसे करके छोटा कर लो। छोटा करने के बाद में आपको क्या करना, एक प्लस यहाँ स्टार्टिंग में लगा लो और एक प्लस थोड़ा सा एंड में जाके लगा लो, थोड़े से आगे आके लगा लो। अब सॉरी यार ये क्या हो गया, जूमिंग वाले में गाइस एक प्लस स्टार्टिंग में लगा लो, एक प्लस थोड़ी सी आगे जाके लगा लो और ऐसे करके आपको जूम कर लेना है। देखो ऐसे करके आपको जूम कर लेना है, थोड़ा सा इसको आप ऊपर भी कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कर लेना। ठीक है, तो देखो ये जूम हो चुका है, अब इसको क्लिक करके इधर कर लो और यहाँ पर आ जाना आपको कर्व में और ऐसे करके आपको कर्व भी दे देना है। ठीक है, देख सकते हो ये ऐसे करके, तो यार अभी देखो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला इफेक्ट आपको शो हो जाएगा। देखा, अब यहाँ पर क्या करना है गाइज, ये वाले जो है किसी पे एक पे टैप करना ग्रुप पे और इफेक्ट में आओगे तो यहाँ पे ओसिलेट का एक इफेक्ट मिलेगा, इसको टैप करना, 3 डॉट पे आके कॉपी इफेक्ट कर लीजिए। अब जो हमने इमेज पे इफेक्ट ऐड किया है उसी वाली इमेज को टैप करेंगे, इफेक्ट में आके 3 डॉट पे आके पेस्ट इफेक्ट करेंगे, तो ये और भी परफेक्ट तरीके से यहाँ पर आपको शो होगा। देख सकते हो यहाँ पर ऊपर नीचे गाइज अप डाउन हो रहा है, तो ये फर्स्ट तो हमारा कुछ इस तरीके से होगा। अब इसको टैप करेंगे सेकंड वाले को, एडिट में आएंगे और इसको क्लिक करके डिलीट करेंगे, प्लस में आके मीडिया में आएंगे और यहाँ से गाइज जो नेक्स्ट हमारी जो इमेज है उसको ऐड करके नीचे करेंगे, ड्यूरेशन को फिर से लास्ट तक करेंगे और मूव एंड ट्रांसफर में आके अपनी इमेज को फिर से फुल स्क्रीन ऐसे करके करेंगे। ठीक है, बाकी बैक हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, इसमें देखो इसको भी क्लिक कर लेना, इफेक्ट में आकर 3 डॉट पे आकर पेस्ट कर लेना ये ओसिलेट वाला इफेक्ट। अब इसको क्लिक कीजिएगा और थोड़ा सा ना इसको ऊपर रखना, अपनी जो इमेज है ना इसके इससे ऊपर रखेंगे। अब इसको टैप करेंगे, इफेक्ट में आके एड इफेक्ट पे आएंगे और यहाँ पर आपको सर्च कर लेना होगा फेड इन आउट। ठीक है, इसको क्लिक करके स्टैंडर्ड सेटिंग को ऑन करना है और इन को गाइज यहाँ पर आपको करीब यहाँ पे 60 के अप्रोक्स रखना, आउट को अभी फिलहाल के लिए 0 रख लेते हैं। ठीक है, तो देखो कुछ इस तरीके से गाइज यहाँ पे आएगा। ठीक है,
तो देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, तो देखो ऐसे करके आएगा, ठीक है। अब इतना होने के बाद में गाइस क्या करना है, इसके पहले ड्यूरेशन को हम यहाँ से लास्ट तक कर लेते हैं, ठीक है। तो इतना होने के बाद में गाइस अब क्या करेंगे, प्लस में आएंगे, शेप को ऐड करके थ्री डॉट पे आके फिल कंपोजिशन एरिया पर क्लिक करके कलर एंड फिल के ऑप्शन में आके इस ग्रेडियंट को सिलेक्ट कर लेना, और इसको गाइस ऐसे करके हमें यहाँ पर ब्लैक शेडो क्रिएट करना है ऐसे करके, ठीक है। तो थोड़ा सा ऊपर करेंगे और इसको थोड़ा सा नीचे करूँगा, थोड़ा इसको और ऊपर करूँगा, जहाँ कोई वाइट कलर इसको क्लिक करके ब्लैक करना है, जहां पे ब्लैक कलर इसको क्लिक करके व्हाइट करके इस वाले ऑप्शन को टैप करके इसको नीचे की तरफ खींच देना है, तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अब इस लेयर को टैप करके अपनी इमेज के ऊपर ही रखना है, ये चीज ध्यान रखना कि अपनी इमेज की हमने ऊपर रखना है। तो यहां पर इसको मैं कर दिया हूं ऊपर, ठीक है। और गाइज यहाँ पर अगर इमेज में इफेक्ट देना है तो टैप करना है इफेक्ट में आके, एड इफेक्ट पे आके ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट को आपको यहाँ पर सर्च कर लेना होगा, और इसको क्लिक करके स्टैंडर्ड सेटिंग को ऑन करके ब्राइटनेस में आके थोड़ी सी इसकी ब्राइटनेस कम कर लो, थोड़ी सी कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज कर लो। अब इसी को थ्री डॉट पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट करो, दूसरी जो लेयर होगा हमारी उसको भी टैप करके इफेक्ट में आके पेस्ट इफेक्ट कर सकते हो, तो देख सकते हो कुछ अलग ही इफेक्ट आपको शो होगा, ठीक है। अब मेन जो काम है अपनी यहाँ पर लिरिक्स को क्रिएट करना, तो देखो यार लिरिक्स को क्रिएट करना है तो देखो यहाँ पर आपको उस लिरिक्स को लिखना होगा, ठीक है। तो जो भी सॉन्ग रहेगा उसकी लिरिक्स को आपको याद होगा तो लिख सकते हो, नहीं तो गूगल में चले जाना, बहुत सारे वेबसाइट मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप तो ईजिली वहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हो वेबसाइट से भी लिरिक्स, मेरे को याद है इसलिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ से हमारी लिरिक्स स्टार्ट है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, इसको टैप करेंगे प्लस में और टेक्स्ट पे आ जाऊँगा। अब यहाँ पे लिरिक्स को मैं पेस्ट कर लेता हूँ दो वर्ड को, बाकी के वर्ड को मैं कॉपी करूँगा, कलर में आकर वाइट कलर ऐड करूँगा, रोबोटो रेगुलर में जाके यहाँ पर अमेरिकन कैप्टन फॉन्ट को सेलेक्ट करेंगे, इसकी साइज़ को इंक्रीज करेंगे, और यहाँ पर गाइस बॉर्डर एंड शैडो में आकर थर्ड ऑप्शन को इनेबल करेंगे, इसको ज़ीरो कर लेंगे, और इसको फ़िलहाल के लिए हम हाँ रखेंगे, ठीक है। अब इसकी ड्यूरेशन को पहले तो लास्ट तक आपको कर लेना होगा कुछ इस तरीके से। अब इसको टैप करेंगे और प्लस में आके डुप्लीकेट लेयर कर लेना इसी का, ठीक है। नहीं तो गाइस पहले आप क्या करो, इसको कलर को थोड़ा सा ना रेड कर लो, और फिर इफेक्ट में आके इफेक्ट पे आइए, यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है, देख सकते हो स्मूथ वीवल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको स्मूथ वीवल सर्च कर लेना है, अरे यार, तो यहाँ पर स्मूथ वीवल सर्च करना है और स्टैंडर्ड सेटिंग को ऑन कर लेना है। इसको रेडियस को थोड़ा सा कम कर लो, बस इतना ही कर लो, ठीक है, इतना कर लो, बस हो गया भाई, और कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। इसको कम कर लो, पूरा जीरो जीरो कर लो, ठीक है। और गाइज यहाँ पर करने के बाद में क्या करना है आपको, ध्यान से देखो, पहले आपको देखना है कि लिरिक्स की यहाँ तक है, तो बाकी एक्स्ट्रा पार्ट इधर ट्रिम कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको टैप करना है इसी को, और यहाँ पर मूव एंड ट्रांसफर में आके इसको इस तरफ कर लो, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। और एक प्लस यहाँ लगा के इसको इधर कर लेता हूँ, और एक प्लस थोड़ा सा आगे जाके आप लगाइए, ठीक है, और इसको इस तरफ खींच लो, ठीक है, ऐसे करके, और बीच में आ जाओ और इसको कर्व वाले ऑप्शन में आकर थोड़ा कर्व दे दो, ठीक है। अब इसको क्लिक करना है, प्लस में आकर डुप्लीकेट लेयर कर लो। अब जो दूसरी लिरिक्स कहाँ से स्टार्ट होती है उसको वहाँ तक ले जाओ, ठीक है, जैसे कि यहाँ, और उसके बाद में एडिट में आ जाना है, और उसके बाद में गाइस आपको यहाँ पर दूसरा जो है ना वो टेक्स्ट क्रिएट करना है, जैसे कि मैं मेरा देख सकते हो और ना, यहाँ पर जो मैं कलर है वाइट फिलहाल के लिए ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर इसको ऐसे करके खींच के ले आना नीचे की तरफ, ठीक है, ऐसे करके लाना है फिंगर की हेल्प से, और इसको डन कर लेना। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट वाली जो, सॉरी ये थोड़ी सी आगे चला गया गाइज, तो इसको देखते हैं, थोड़ी सी आगे चला गया, तो इसको टैप करके अब यहाँ कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो दोनों फिंगर की हेल्प से इसको जूम आउट भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कर लो, ठीक है। उसके बाद में फिर इसी को टैप करके प्लस में आकर डुप्लीकेट लेयर कर लो, और एक लेयर को फिर से टैप करो, जहाँ तक आ रहा है वहाँ पर जाके इसकी ड्यूरेशन को यहाँ तक कर लो। अब इसी को टैप करके और एडिट में आ जाना है, और उसके बाद में जो दूसरी जो लिरिक्स रहेगा उसको यहाँ पर आपको पेस्ट कर लेना है, ठीक है। देखो गाइस अब यहाँ पर वीडियो का ड्यूरेशन काफ़ी लंबा होते जा रहा है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर मैं आपको और चीज़ें यहाँ पर कुछ है जो बताऊँगा, तो ध्यान से देखते रहना। अब इसको टच कर लेंगे और इसको फिर से गाइस यहाँ पर हम इसको रख लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर आ रहा है, तो इसको इस तरफ करके यहाँ पर रख लेना है, ठीक है। तो देखो हमारी जो लिरिक्स है ना कुछ इस तरीके से क्रिएट होगा। अब इन तीनों लिरिक्स को सेलेक्ट कर लेना एक साथ, और थोड़ा सा जूम आउट कर सकते हो, और यहाँ जहाँ भी लगाना चाहते हो यहाँ पर आप इजीली लगा सकते हो, ठीक है। अब देखो क्या करना है, जहाँ तक बीट मार्क आके सभी पे लिरिक्स पे क्लिक करना, टाइमर पे आके एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेना, जब इसकी एक्स्ट्रा ड्यूरेशन हो तो टाइमर पे क्लिक करके एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेना। अब देखो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से इफेक्ट मिल जाएगा, देख सकते हो,
अब आपको इन तीनों लिरिक्स को सिलेक्ट करके प्लस में आकर कॉपी लेयर करना, आगे चले जाना है प्लस में आकर पेस्ट लेयर करना, फिर से लिरिक्स को एडिट करना है अपने अकॉर्डिंग। अब जैसे इसकी ड्यूरेशन कम है तो इसको टैप करके एंड में जाना, टाइमर पे आकर बढ़ा लेना, फिर इसको टैप करना है टाइमर पे आना है और एंड में आकर बढ़ा लेना, फिर टैप कर लेना है टाइमर पे आना है एंड में आकर बढ़ा लेना। तो ये और बाकी एडिट तो आपको पता है, क्लिक कर लेना एडिट में जाना और लिरिक्स की जो वर्ड होगा आपको यहाँ पर लिख लेना होगा। अब देखो इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से जहाँ से हमारी इमेजेस प्ले होगा, लाइक यहाँ पर हमारी इमेजेस प्ले होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्लस पे टैप करके एक शेप को ऐड करना है। अब अपनी एक HDR इफेक्ट को ऐड करेंगे, थ्री डॉट पे आकर फील कंपोजिशन एरिया पर क्लिक करके फुल स्क्रीन करके ड्यूरेशन को लास्ट तक करेंगे। इफेक्ट में एड इफेक्ट पे आएंगे, यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है कॉपी बैकग्राउंड। देख सो तो इतनी हैंग करती है ना यार लाइट मोशन, क्या बताऊँ, इसलिए मन नहीं कर आजकल लाइट मोशन से वीडियो बनाने का। कॉपी बैकग्राउंड पे टैप करेंगे और स्टैंडर्ड सेटिंग को ऑन करेंगे, फिर बैक होके इफेक्ट में आना है, फिर से यहाँ पर आपको सर्च करना है गोजन ब्लर। तो यहाँ पर गोजन ब्लर को टैप कर लेना है सर्च में जाके, और यहाँ पे इसको भी क्लिक करके स्टैंडर्ड सेटिंग को ऑन करेंगे। फिर इफेक्ट में आके एड इफेक्ट पे आएंगे, अब इस बार हम सर्च करेंगे एक्सपोजर गामा। तो यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है एक्सपोजर गामा, इसको भी क्लिक करके स्टैंडर्ड सेटिंग को ऑन करेंगे, और यहाँ पर ब्लेंडिंग में आके यहाँ पर डिफरेंस वाले ऑप्शन में आके सब ट्रैक पे क्लिक कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ से गए जो हमने अभी इफेक्ट बनाया उसी के ड्यूरेशन पर जाना है, और प्लस में आके एक शेप को ऐड करके कलर एंड फिल के ऑप्शन में आके वाइट कलर ऐड करेंगे। अब थ्री डॉट पर आके फिल कंपोजिशन यहाँ पे क्लिक करके फुल स्क्रीन करके ड्यूरेशन को लास्ट तक करेंगे। ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में आके कॉन्ट्रास्ट में क्लिक करके ओवरले पे टैप करेंगे। अब जो नीचे जो इफेक्ट वाली लेयर हमने क्रिएट किया था टैप करेंगे, इफेक्ट में आएंगे और यहाँ पर कॉपी सॉरी ये जो एक्सपोजर गामा इसको क्लिक करके एक्सपोजर को बस यहाँ पर आपको कम कर लेना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। देखो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब गाइस इन दोनों लेयर को एक एक करके टैप करके ओनली अपनी इमेज के ऊपर छोड़ना है, ठीक है, लिरिक्स के नीचे नहीं, लिरिक्स के ऊपर नहीं, लिरिक्स के नीचे छोड़ना है, ठीक है, ताकि गाइस लिरिक्स में उतनी मतलब कि जो दिक्कत ना हो, ठीक है। अब लाइक इसको है तो यार तो देखो यार ये इसको ना ऊपर करना है, ठीक है, तो देखो परफेक्टली हो चुका है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर आपको क्या करना है, प्लस में आना और मीडिया में आना, और आपको एक टैंपलेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब उस टैंपलेट को टैप कर लीजिएगा और यहाँ पर आपको ऐड कर लेना है। अब इस टैंपलेट को टैप करने के बाद में मूव एंड ट्रांसफर में क्लिक करके इसको यहाँ पर रोटेट कर लो 90 डिग्री, ठीक है, और मूव एंड ट्रांसफर में क्लिक करके यानी कि इस वाले ऑप्शन में क्लिक करके जूम कर लीजिए, और ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में आकर लाइटन में आकर स्क्रीन के ऑप्शन को इनेबल कीजिए, टैप कीजिए, और इसको आपको नीचे की तरफ छोड़ देना है, ठीक है, म्यूजिक के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब इसका ड्यूरेशन छोटा है तो टैप करके प्लस में आकर कॉपी लेयर करो, और यहीं प्लस में आकर पेस्ट लेयर कर दो, फिर यहाँ पर क्लिक करके इसको नीचे की तरफ यहाँ पर आपको फिर से दोबारा कर लेना होगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप गाइस आपको कुछ इस तरीके से यहाँ से कर लेना होगा, ठीक है। फाइनली हमारी वीडियो क्रिएट हो चुकी है गाइस। अब इस वीडियो को आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करके वीडियो को गैलरी में सेव कर लेना होगा।